बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाश फिल्मों की अदाकारा जीना ग्रेसन ने अपने इस शर्मनाक पैसे से वाबस्ता होने का इल्ज़ाम एक हैकर के साथ डाल दिया। डेली स्टार के मुताबिक सर्बिया में पैदा होने और गुरबत में परवरिश पाने वाली जीना ग्रेसन तालीम हासिल करना चाहती थी, मगर एक हैकर की वजह से वो फाश फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हो गई। जीना ग्रेसन ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक रूसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने की ख्वाहिशमंद थी और वहाँ उसका दाखिला भी हो गया था और वो अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए खुफिया तौर पर मॉडलिंग भी करने लगी थी। इसने इसी मॉडलिंग के दौरान एक वीडियो शूट करवाई जो किसी हैकर के हाथे चढ़ गई और उसने जीना ग्रेसन की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक करके ये वीडियो उस पर पोस्ट कर दी। जीना ग्रेसन का कहना था कि चंद ही मिनटों में वेबसाइट पर मेरी वीडियो की खबर हर टीचर और हर तालिबे इल्म तक पहुँच गई और सब ने वेबसाइट पर जाकर वीडियो देखी। यूनिवर्सिटी के माहरीन को वेबसाइट से वीडियो हटाने को 2 दिन लगे। तब तक ये वीडियो इस कदर वायरल हो चुकी थी कि यहाँ से डाउनलोड करके सर्बिया के उस स्कूल की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई जहाँ से मैं पढ़कर आई थी।